नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र सिंह, अमर उजाला, आगरा से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और अब बारी तीसरे चरण के मतदान की है। हम इस समय आगरा में और आगरा की सबसे चर्चित सीट रही फतेहपुर सीकरी लोकसभा की बात करने जा रहे हैं। ये सीट 2009 में अस्तित्व में आई थी, जब यहाँ पर पहली बार सीमा उपाध्याय, जो बसपा से प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2014 में यहाँ भाजपा के चौधरी बाबूलाल जीते और 2019 में राजकुमार चौहान ने बड़ी जीत दर्ज की। इस बार भी भाजपा से राजकुमार चौहान ही चुनाव मैदान में हैं। आइए जानते हैं कि अब लोकसभा चुनाव 2024 का शोर चल रहा है, तो इस शोर में इस लोकसभा सीट पर क्या चुनावी समीकरण बन रहे हैं। हमारे साथ हैं डिप्टी न्यूज एडिटर डॉक्टर विजित सिंह सर, तो आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं इस लोकसभा सीट के बारे में। सर, फतेहपुर सीकरी सीट पर अभी तक जनता ने किसी एक प्रत्याशी को रिपीट नहीं किया है, हर बार जो है नया उम्मीदवार खड़ा हुआ। पहली बार सीमा उपाध्याय, दूसरी बार बाबूलाल जीते, तीसरी बार राजकुमार। तो जो जनता का मूड है इस बार कहाँ जाएगा, ये अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो साफ है। हालांकि इस बार जो है स्थितियाँ अलग हैं, अलग इस तरह से हैं कि भाजपा के उम्मीदवार जो राजकुमार चाहर हैं, उनके अगेंस्ट उनकी ही पार्टी के एक और उम्मीदवार जो है निर्दलीय खड़े हो गए हैं, वो जाट बिरादरी से आते हैं और जो उम्मीदवार हैं वो भी जाट बिरादरी से हैं, और जो निर्दलीय हैं उनके पिता भाजपा के विधायक हैं, तो इसका एक तो असर पड़ेगा। दूसरी तरफ जो है गठबंधन का प्रत्याशी है रामनाथ सिकरवार, वो ठाकुर जाति से आते हैं, तो वो जो पिछली बार ठाकुरों का जो वोट जो है बीजेपी को गया था, तो इस बार वो बढ़ जाएगा। इसी तरह वहाँ जो है बसपा प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो वो दलितों का वोट ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस बार जो है स्थितियाँ बहुत विकट हैं। सर, इस बार जो फतेहपुर सीकरी के चुनावी मुद्दे हैं, जो उसके बड़े मुद्दे क्या हैं, इसके बारे में क्या राय है? फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, हमेशा ही वहाँ पानी का संकट रहा है। तो इस बार अभी पब्लिक जो है पानी को लेकर बहुत गंभीर है, जो भी पानी के लिए वहाँ काम करेगा मुझे लगता है कि पब्लिक का सपोर्ट उधर ही जाएगा। हाँ, वरिष्ठ साथी धर्मेंद्र त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो धर्मेंद्र सर ये बताइए कि फतेहपुर सीकरी में जो एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रामेश्वर चौधरी हैं, उनसे कितना प्रभाव पड़ेगा भाजपा प्रत्याशी को या गठबंधन के प्रत्याशी या बसपा के प्रत्याशी को? देखिए, सबसे पहले आपको मैं बात बता दूं कि राजकुमार चाहर जो स्वयं जाट समाज से हैं और जिनके मुकाबले निर्दलीय जो रामेश्वर चौधरी खड़े हुए हैं, उनके पिताजी चौधरी बाबूलाल भाजपा के वर्तमान में विधायक हैं। देखिए, जाटों का वोट बटेगा, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि उनको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि राजकुमार चाहर खुद जाट हैं और इनके पिताजी रामेश्वर जी के सांसद भी रहे 2014 में यहाँ से। तो लोगों में, जाट समाज में ये है कि एक ही परिवार को बार बार मौके जब बीजेपी ने दिए, और राजकुमार चाहर भी एक युवा हैं और भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और मैं बात राजकुमार चाहर की जाए तो उन्होंने निर्दलीय जब चुनाव लड़ा था तो 60,000 से वोट कभी दूसरे नंबर पर भी रहे, तो प्रभावित करेंगे जाटों को वोट, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको ज़्यादा नुकसान होगा। अभी भी जो जाटों का वोट है वो बीजेपी की तरफ ही रुझान देखने मिल रहा है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं आगरा की नसों को पहचानने वाले यहाँ के वरिष्ठ साथी और सिटी इंचार्ज साहब धर्मेंद्र यादव जी। तो धर्मेंद्र सर से हम जानना चाहेंगे, धर्मेंद्र सर, क्या जाति की जो राजनीति है, जाति आधारित वोट है, क्या फतेहपुर सीकरी पर किस तरह आप उसको देखते हैं?
देखिए, फतेहपुर सीकरी देहात का इलाका है, यहाँ की बड़ी आबादी ज़्यादातर खेती किसानी वाली है, तो यहाँ की जो वोटर की मानसिकता है, मतदाताओं का जो सोच है वो भी अलग है। यहाँ मुद्दे कभी प्रभावी नहीं रहे, यहाँ जातियाँ ज़्यादा प्रभावी रही हैं और वोट जातियों के आधार पर, प्रत्याशियों का चयन जातियों के आधार पर होता रहा है। इस बार खीरागढ़ विधानसभा से कड़ी टक्कर देने वाले भाजपा प्रत्याशी को रामनाथ से करवार मैदान में हैं, वो चुनौती बने हुए हैं भाजपा प्रत्याशी के सामने। इसके साथ ही बसपा के प्रत्याशी रामनिवास शर्मा, जो कि ब्राह्मण जाति से आते हैं, वो भी वोटों में कहीं ना कहीं सेंध लगाएंगे और दलितों का साथ उन्हें मिल रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि मुस्लिम किसको वोट देते हैं, वो बसपा के साथ जाते हैं या सपा कांग्रेस गठबंधन को वोट देते हैं, ये भी एक प्रभावी समीकरण बनेगा। इसके अलावा चौथा बागी, भाजपा के बागी विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर का कौन है, इस तरह से फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट चतुष्करणीय मुकाबले के साथ बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। ऊंट किस करवट बैठेगा कह नहीं सकते हैं, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है और राजकुमार पूरी तरह से इसमें घिर चुके हैं। यही कारण है कि भाजपा ने भी इस सीट पर जातिगत समीकरण के अनुसार अपने नेताओं को प्रचार के लिए भेजा है और अपनी ताकत झोंक दी है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर हमारे क्राइम रिपोर्टर आशीष शर्मा जी। तो आशीष शर्मा जी से जानना चाहते हैं कि अपराध की बात करें तो क्या आपराधिक वारदातें फतेहपुर सीकरी में मुद्दा रखती हैं कि नहीं रखती हैं, वहाँ पर कैसा ग्राफ है? यही कहना चाहूँगा कि फतेहपुर सीकरी इलाका पूरा देहात का इलाका है, इस वजह से वहाँ वारदात भी ज़्यादा होती हैं। इस अभी बाबूलाल चौधरी की जो सभा हुई थी उसमें उन्होंने अपने बेटे का समर्थन किया था, उसमें भी यही बात की थी कि चुनाव जीतने के बाद हमारे प्रत्याशी आते नहीं हैं। फतेहपुर सीकरी के लिए भी कई सारे वादे किए गए थे, लेकिन वादे पूरे होने के बाद, उनकी चुनाव जीतने के बाद उन्होंने उस तरफ रुख नहीं किया, इस वजह से लोगों में नाराजगी है। उस जाट समाज भी इस बात का समर्थन करता हुआ नजर आया था, इस वजह से ही जो कड़ा मुकाबला हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री इस लोकसभा सीट को लेकर फोकस करे हुए हैं, जिससे इस में किसी तरह की हार ना हो जाए। हमारे साथ में मौजूद हैं हमारे साथी दुर्गेश चार। तो दुर्गेश चार से जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद फतेहपुर सीकरी में क्या कुछ वहाँ के मतदाताओं के मूड में चेंज आया या क्या प्रभाव पड़ा है? अगर मोदी जी की जनसभा को देखते हुए अगर फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट का अगर अनुमान लगाया जाए तो करीब 25,000 की जनता पूरे मंडल से दोनों सीटों पर भाजपा कार्यकर्ता जुटा पाए थे और ये साफ है कि इस बार रामनाथ से करवार कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं गठबंधन के, वो इन्हें कड़ी टक्कर देंगे, क्योंकि इससे पूर्व वाले चुनाव में कांग्रेस से राजबब्बर आए थे। इस बार जातिगत आधार पर चुनाव है फतेहपुर सीकरी का पूरा, और इसमें वर्तमान सांसद चौधरी बाबूलाल के बेटे निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, तो जाट वोट दो विभागों में बट जाएगा और उधर ठाकुर वोट पर डिपेंड करता है कि वो किधर जाएंगे। अगर भाजपा में जाता है वोट तो फायदा राजकुमार चाहर का होगा, नहीं तो रामनाथ सरकार का रास्ता साफ नजर आता है। हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं सिद्धार्थ चतुर्वेदी के। तो सिद्धार्थ जी से हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि इस बार फतेहपुर सीकरी की जनता क्या चाहती है? प्रतिशत क्या रहेगा? सबसे बड़ा फैक्टर तो ये रहेगा मतदान प्रतिशत, क्योंकि दो चरणों में लगातार जिस तरीके से भाजपा ने अपने ट्रेंड को बदला है, अपने लाइन ऑफ एक्शन को बदला है, अपने मुद्दे बदले हैं। उसके अलावा दूसरा मुद्दा जो मोदी जी की उसके बाद जनसभा के बाद दिखाई दिया है वो दिया है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र के इमोशनल कैश करने की कोशिश की जा रही है अब मतदान को बढ़ाने के लिए, तो एक ये बड़ा फैक्टर है जो मंगलसूत्र का जो एक स्टेटमेंट लगातार आ रहा है और वो एक मजबूत हथियार भाजपा अपना बना रही है, तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा। और ये फैक्टर मतदान में, महिलाओं के मतदान में कितना तब्दील होगा, ये भाजपा की जीत के अंतर को कम कर सकता है, लेकिन जीत कितनी होगी ये वोट के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, धर्मेंद्र त्यागी जी से हम जानना चाहेंगे कि इस बार फतेहपुर सीकरी जो लोकसभा है वो कांग्रेस के लिए इतनी अहम क्यों है? कि यहाँ पे एक मांग उठी है कि कई स्टार प्रचारक जो कांग्रेस से कई स्टार प्रचारकों को लाने की तैयारी, तो आइए जानते हैं धर्मेंद्र जी से। देखिए,
बीते दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली हुई उसके बाद सपा और कांग्रेस गठबंधन इनकी काट के लिए तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को सबसे ज़्यादा डिमांड है उनका रोड शो किया जाए, लेकिन इसमें जातिगत नेताओं की भी मांग कर रहे हैं कांग्रेस के। इन्होंने सचिन पायलट और इमरान प्रतापगढ़ी मुस्लिम कैंडिडेट के जो प्रत्याशी हैं ये वो मतदाताओं को रिझाने के लिए रुका है, और एक ब्राह्मण समाज के लिए प्रमोद तिवारी, इन पांच नेताओं की मांग इन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेजी है, लेकिन अभी तक इनकी कोई तारीख तय नहीं हो पाई है। लेकिन अगर प्रचार की बात की जाए तो अभी भी बीजेपी भारी पड़ी है, यहाँ उनकी पूरी रणनीति से उन्होंने अपने जातिगत नेता बुला करके रैली जनसभा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सपा कांग्रेस से एक भी बड़ी रैली या छोटी जनसभा यहाँ देखने नहीं मिली है। ये जरूर है कि बीते 25 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा आई थी जिसमें वो आगरा लोकसभा सीट से गुजरी थी, उसमें भी समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव वो बीच रास्ते से ही चले गए थे, उन्होंने शहर में ही अपना तो सीमित रखा, और उनकी राहुल गांधी की जो पिनाट उस क्षेत्र में देहात में फतेहपुर सीकरी की जो सीमा में एक रैली होने वाली थी, जनसभा होने वाली थी, वो भी नहीं हो पाई। तो इसमें ये बात निश्चित है कि बीजेपी अभी तक जो प्रचार के मामले में इनसे आगे है, और देखते हैं कि किस तरह से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काट के लिए कौन कौन से नेता यहाँ क्या क्या वादे करते हैं, क्या क्या उनके तोड़ के लिए जनता को ले जाते हैं। तो हमारे सभी वरिष्ठ साथियों ने बताया कि इस बार फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर क्या समीकरण बैठ रहे हैं, तो ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।